नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। नियोजित शिक्षकों को लेकर के बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजधानी पटना से। आपको बताएं कि बीते 18 जुलाई को नियोजित शिक्षकों की तरफ से 7 सूत्री मांगों को लेकर के पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था इन शिक्षकों का। इनकी मांग थी कि जो समान काम के लिए समान वेतन है वो उनको मिलना चाहिए। दरअसल नियोजित शिक्षक इसकी लड़ाई अब लंबे वक्त से लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक गए लेकिन वहां से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद मॉनसून सत्र के दौरान उन्होंने बिहार विधानसभा का घेराव करने की जो योजना है वो बनाई। उसके बाद जो बिहार भर से जो शिक्षक थे वो पहुंचे पटना के अंदर में, और उसके बाद वहां पर हुई पुलिस की तरफ से उनके ऊपर लाठीचार्ज। दरअसल पुलिस ने आरोप लगाया कि जानबूझकर के जो बैरिकेडिंग थी उसको क्रॉस करके नियोजित शिक्षक जो है बिहार विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, जो कि सही नहीं था। इन तमाम चीज़ों के बाद में नियोजित शिक्षकों के खिलाफ में एक मामला दर्ज किया गया गर्दनीबाग थाने में, जिसमें जो 15 जो नामजद अभियुक्त थे वो बनाए गए, और उसमें करीब 5000 अज्ञात शिक्षकों के ऊपर में FIR दर्ज की गई। उसमें से 5 शिक्षक गिरफ्तार किए गए थे, जिनको बड़ी राहत देते हुए पटना सिविल कोर्ट से बेल मिल गई है। तो आपको बताएं कि ये बड़ी राहत है नियोजित शिक्षकों को लेकर के, जिसमें पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तार नियोजित शिक्षकों की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। सिविल कोर्ट ने गिरफ्तार 5 नियोजित शिक्षकों को बेल दे दिया है, और संभावना जताई जा रही है कि देर शाम तक ये जेल से रिहा हो जाएंगे। बताएं आपको कि 18 जुलाई को पटना के गर्दनीबाग में बिहार के नियोजित शिक्षकों का जुटान हुआ था, और नियोजित शिक्षक पटना के गर्दनीबाग स्थित बैरिकेडिंग को तोड़ विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने नियोजित शिक्षकों के ऊपर उनको रोकने के लिहाज से लाठीचार्ज किया था, और बाद में पुलिस ने 15 नामजद अभियुक्त बनाया था इस पूरे मामले में, जिसमें से 5 नियोजित शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही करीब 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। दरअसल बिहार के नियोजित शिक्षक अरसे से मांग कर रहे हैं कि उन्हें समान काम समान वेतन दिया जाए। इसी मांग को लेकर के बिहार के हर जिले से नियोजित शिक्षक बीते 18 जुलाई को पटना के गर्दनी बाग पहुंचे थे, जहां पर उनके ऊपर आरोप ये लगाया गया कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश की, और इन तमाम अलग अलग धाराओं के तहत उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ था। और उसके बाद जो नियोजित शिक्षक हैं उनमें से 5 नियोजित शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आज उनको राहत मिली है और अब तमाम लोग जो है जेल से बाहर होंगे। अधिक अपडेट्स के लिए देखते हैं न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।